बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंड इवन इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल इफ़ यू आर राइटिंग जेट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी करंट अफेयर्स आते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले और शुरू करते हैं. बट सबसे पहले मैं बता देता हूँ हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है. हमारे पास है स्टिकी नोट्स, थोड़े और स्टिकी नोट्स, एंड थोड़े से और स्टिकी नोट्स, एक हाईलाइटर, वन पेन एंड एक नोटबुक जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे. ओके, बट मेरे हिसाब से हमारा जो मोस्टली काम है वो हाइलाइटर और पेन से चल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग विच वी विल बी स्टडिंग टुडे इज गोइंग टू बी, मैं इसमें क्या है एक्चुअली कि मैं थोड़ा सा पीछे का पार्ट पढ़ चुका हूँ. सो दैट्स द रीजन आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस पेज. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज नेशनल न्यूज. इजिप्ट प्रेसिडेंट एडवल फतह एल सीसी विल बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे, हमें याद रखने वाली चीज़ है. ठीक है, रिपब्लिक डे पे कौन से प्रेसिडेंट आए थे, क्योंकि आजकल इतने दिन पुराने ही पूछे जाते हैं. ठीक है, कोई भी अगर आप मेंस भी लिखने जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट द सीजीएल मेंस, देन हम उम्मीद करके रख सकते हैं कि रिपब्लिक डे में कौन से देश के प्रेसिडेंट आए थे, ये पूछा जा सकता है. सो इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे रिपब्लिक डे की परेड में. पीएम मोदी नेम 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज. पीवीसी, परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पे पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड को नाम रखा है. ठीक है, मूविंग अहेड, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीनेम द मुगल गार्डन्स इन न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन एज अमृत उद्यान. ये हमें पता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि जो अमृत उद्यान है उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसको एज अमृत उद्यान कर दिया है, मुगल गार्डन जिसको पहले कहा जाता था न्यू दिल्ली में. ओके, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडविया अनवेल्स वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन. इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन फर्स्ट इनकोवैक, ये याद रखने वाली चीज़ है कि आखिरकार ये वैक्सीन है कौन सी, इनकोवैक है. इनकोवैक फर्स्ट वैक्सीन है, नेशनल इंटरनेशनल वैक्सीन इनकोवैक. इनकोवैक इज द फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन लॉन्च्ड बाय इंडिया. ठीक है, मूविंग अहेड, ऑपरेशन दोस्त. ऑपरेशन दोस्त सबको पता है, सीरिया तुर्की में जो अर्थक्वेक आया था, सो उस समय ऑपरेशन दोस्त की बात हुई थी कि ऑपरेशन दोस्त आखिर क्या है. ऑपरेशन दोस्त वही है जहां पर जब तुर्की और सीरिया में जब हमारा अर्थक्वेक अभी रिसेंटली आया था, तो जो इंडियन एयरफोर्स थी उसने लिफ्ट करे थे बहुत सारे हमारे जो मेडिकल स्टाफ वाले थे, और उन्होंने एनडीआरएफ ने साथ में मिलकर वहाँ पर लोगों को बचाया था. सो ऑपरेशन जो सोलर एनर्जी करप्शन, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्न कैटेगरी 1. सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, इसको मिनी रत्न का मिल चुका है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन को मिनी रत्न का वो दे दिया है, मिनी रत्न बना दिया है इसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन को. सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इसको मिनी रत्न बना दिया. यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अप्रूव्स नवरत्न स्टेशन टू रेल विकास निगम. नवरत्न स्टेटस दे दिया गया है रेल विकास निगम को, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में दिया हुआ है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन को. तो सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि इस बार की 26 जनवरी में हमारे रिपब्लिक डे पर शामिल हुए थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट. देन पीएम मोदी ने 21 आइलैंड अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड को पीवीसी परमवीर चक्र जिन लोगों को मिला है उनके नाम पे रखा है उनका नाम. इंटरनेशनल वैक्सीन कोविड-19 की इनकोवैक इंडिया ने लॉन्च करी है रिसेंटली. एंड अमृत उद्यान नाम रख दिया गया है मोगल गार्डन का. सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस और नवरत्न स्टेटस टू रेल विकास निगम. ठीक है, इंडिया हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप. जस्ट वेट अ सेकंड, ओके, लेट मी ज़ूम इट अ बिट. थोड़ा सा अगर मैं जस्ट गिव मी अ मिनट. अरे यार, ओके, हाँ, या तो ज़्यादा जूम हो रहा है ए यार ऐसे तो. ओके, परफेक्ट, ओके, ठीक है. सो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्न कैटेगरी 1 एंड यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अप्रूव्स नवरत्न स्टेटस टू रेल विकास निगम. इंडिया हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ प्लेनरी ऑफ वेसनार अरेंजमेंट फॉर 1 ईयर ऑफ ऑन 1 जनवरी 2023. वेसनार अरेंजमेंट की चेयरमैनशिप ऑफ द प्लेनरी ऑफ द वेसनार अरेंजमेंट की इंडिया को मिली है चेयरमैनशिप फ्रॉम 1 जनवरी 2020. हैदराबाद बेस्ड MCN ग्रुप अनाउंस दैट इट हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट जेनरिक पेल्वोक्लिप टेबलेट फॉर एडवांस ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी अंडर द ब्रांड नेम पेल्वोरिस्ट.
पेल्बोरिस ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हैदराबाद बेस्ड एमसीएन मेडिसिन वाली जो एक कंपनी है उसने एक पेल्बोरिस करके एक मेडिसिन अभी अभी रिसेंटली लॉन्च करी है। ऑयल मिनिस्ट्री पैनल प्रपोजेस बैन ऑन फोर व्हीलर डीजल व्हीकल बाई 2027। अच्छा, फोर व्हीलर डीजल व्हीकल पे बैन लग जाएगा, ऑयल मिनिस्ट्री ने अभी प्रपोज किया, बट ये इतनी याद रखने वाली चीज़ें बिकॉज इट इज जस्ट प्रपोज, ठीक है। कैबिनेट क्लियर्स नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 CEA अप्रूव टू सेट अप 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस, अगेन नॉट वेरी मच ऑफ यूज। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड MOU विथ मीशो टू ऑन बोर्ड रूरल वुमेन एज ऑनलाइन सेलर्स। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, रूरल डेवलपमेंट ने किया है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन किया है, मीशो के साथ किया है रूरल वुमेन के लिए, बिकॉज दिस इज रूलर एंड अगेन अ वुमेन, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ऑनलाइन सेलर्स, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मीशो टू ऑन बोर्ड, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, रूरल डेवलपमेंट वाली ने किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। किसके साथ किया है, मीशो के साथ किया है, किसके लिए किया है, रूरल वुमेन्स के लिए किया है, दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, अकॉर्डिंग टू द डेटा शेयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिहार हैज द लोएस्ट लिटरेसी एंड केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एट 94%। ओके, दिस वी नो, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सिलवासा, ठीक है, नमो मेडिकल, नमो नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, नमो नमो इन सिलवासा, दिस इज वेरी सिंपल सिलवासा, बट द ओनली थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर इज सिलवासा, सॉरी टू प्रोनाउंस इट रॉन्ग इनकरेक्टली, सिलवासा। ओके, इंडिया टाइगर पॉपुलेशन रिसर्च 3925 विद एनुअल ग्रोथ, ओके वी नो द टाइगर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बट वी डोंट नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर 14 क्रॉप्स के लिए एमएसपी, अगेन दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, जस्ट ऑफ एक्चुअल थिंग्स। सो व्हाट आर द थिंग्स विच वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पेज इज, फर्स्ट थिंग इज दैट इनकोवैक करके एक इंटरनेशनल वैक्सीन है जो इंडिया ने, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन इज अनवील्ड बाय इंडिया, ठीक है। द इजिप्ट प्रेसिडेंट ने अटेंड किया था, 21 आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार परमवीर चक्र के नाम से हुए हैं अमृत उद्यान, थिंग्स ओनली दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग अहेड नाउ टू आंध्र प्रदेश न्यूज, विशाखापट्टनम विल बी द न्यू आंध्र प्रदेश कैपिटल, विशाखापट्टनम विल बी द न्यू कैपिटल। एपी गवर्नमेंट रीनेम भावना पड्डू पोर्ट इन श्रीकाकुलम एस मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट। ओके, मुलापेटा भावना पड्डू पोर्ट इन श्रीकाकुलम एस मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट, मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट। यूनियन होम मिनिस्टर हमेशा हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 108 feet टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड राम इन आंध्र प्रदेश कुरनूल इन अ वर्चुअल सेरेमनी। ओके, दिस इज अ थिंग टू रिमेंबर, आंध्र प्रदेश कुरनूल लॉर्ड राम, विशाखापट्टनम न्यू कैपिटल, दिस इज अ थिंग, एंड भावना पड्डू पोर्ट इन श्रीकाकुलम एस मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट, मुलापेटा, ठीक है, इट इज रीनेम्ड एज मुलापेटा। मूविंग अहेड, कमिंग अगेन टू दिस आंध्र प्रदेश न्यूज, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेट सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, एक्चुअली मेरा जो स्टैंड है वो गिर गया है, जस्ट नीड फ्यू मिनट्स टू एडजस्ट इट। ओके, आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन नाउ। ओके, सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेट सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हमने एक सियोम ब्रिज करके इनोग्रेट किया है, किसने किया है, ये राजनाथ सिंह ने किया है, सियोम ब्रिज सियोम ब्रिज। आसाम कैबिनेट ग्रांट्स इंडस्ट्री स्टेटस टू द टूरिज्म सेक्टर इन आसाम, इंडस्ट्री सेक्टर, ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का जो टैग है वो आसाम में दिया गया है, स्टेटस इंडस्ट्री का जो स्टेटस है वो टूरिज्म सेक्टर को आसाम में दिया गया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिलेटेड विद आसाम। देन वी हैव आसाम टू कम अप विद द नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट एवर कंप्रेस्ड बायोग्लास प्लांट। ओके, अगेन अ इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्रेस्ड बायोग्लास प्लांट। गुवाहाटी एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी, गुवाहाटी एयरपोर्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आसाम कैबिनेट ग्रांट्स इंडस्ट्री स्टेटस टू द टूरिज्म सेक्टर में आसाम टू कम अप विद द नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट एवर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इंडिया नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट आसाम में आने वाला है। गुवाहाटी एयरपोर्ट बिकम फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू गेट डीजी यात्रा फैसिलिटी, डीजी यात्रा की फैसिलिटी नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी। ओके, बिहार गवर्नमेंट हैज बिगन कास्ट सर्वेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, कास्ट सर्वे करे हैं बिहार गवर्नमेंट में, विच इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था। द कास्ट बेस्ड सर्वेस आर बीइंग कंडक्टेड इन बिहार एंड दिस विल बी लेवरेज्ड इन अ नेगेटिव वे इन द अपकमिंग बिहार इलेक्शंस, क्योंकि इफ यू नो दैट विच कास्ट इज इन मेजोरिटी देन यू डेफिनेटली विल बी टेकिंग सम नेगेटिव लेवरेजेस फ्रॉम इट, राइट, इन द स्टेट इन योर लाइक वट एवर वी कॉल इट। ओके, स्टेट आइकन फॉर बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर इंडिया इज मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर वी नो ही इज अ वेरी गुड सिंगर, अ क्लासिकल सिंगर, अ वेरी गुड इंडियन क्लासिकल सिंगर मैथिली ठाकुर। बिहार गवर्नमेंट हैज बिगन कास्ट सर्वेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। गोवा इन न्यूज, गोवा बाय गोवा इज इन न्यूज। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द न्यू जुआरी ब्रिज अक्रॉस रिवर जुआरी कनेक्टिंग नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, not very much important, but still, अगर ये याद रहेगी तो it's good. NTPC launches India's first green hydrogen blending operation in the piped natural gas PNG network of its Kawas Township in Surat. Important, NTPC launches India's first greenhouse blending operation in the piped natural gas PNG. Okay, network of its Kawas ownership township in Surat, गुजरात। ठीक है, NTPC ने लॉन्च किया है पहला, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन, किसमें, पाइप्ड नेचुरल गैसेस में, नेटवर्क ऑफ इट्स कबास टाउनशिप इन सूरत गुजरात। अमित शाह अनवेयर 54 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान हेड गुजरात। 54 फीट का कहाँ किया है लॉर्ड हनुमान जी का, गुजरात में किया है। एंड अमित शाह ओनली इनोग्रेटेड 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड राम in Andhra Pradesh. Okay, as we have seen in the last page. Okay, moving ahead, India gets its first IVF mobile unit for animals in Gujarat, Amreli. IVF mobile unit for animals. Gujarat to host 69th edition of Filmfare Awards. Okay, not very much important. PM Narendra Modi to inaugurate semicolon India 2023 in Gujarat. Semicolon India kahan inaugurate hua? PM Modi ke dwara it was inaugurated in Gandhinagar. Semicolon 2023 by PM Modi in Gujarat. Okay, I think we should be moving ahead. Himachal Pradesh targets to be first green energy state. Himachal Pradesh green energy state by 2025. ठीक है, ग्रीन एनर्जी स्टेट मतलब हम जितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, जितने हम कार्बन कंज्यूम करेंगे उससे ज़्यादा हम ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होंगे। ओके, सो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगा हिमाचल प्रदेश 2025 में। मूविंग अहेड, हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डेवलप अ DNA डेटाबेस फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ओके, दिस इज अ गुड थिंग। DNA डेटाबेस बनाया है हिमाचल प्रदेश ने, पहला, इंडिया का पहला DNA डेटाबेस फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा टी गॉट अ यूरोपियन EU GI टैग। ओके, जो कांगड़ा टी है ऑफ हिमाचल प्रदेश गोट कांगड़ा टी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, सो कांगड़ा टी ऑफ हिमाचल प्रदेश गॉट अ यूरोपियन यूनियन GI टैग। यूरोपियन यूनियन GI टैग किसको मिला है, कांगड़ा टी को मिला है। यूरोपियन यूनियन GI टैग कांगड़ा टी को मिला है। ओके, India to have organized licorice mulethi cultivation. Okay, mulethi cultivation भी हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है एंड जो कांगड़ा टी है हिमाचल प्रदेश की उसे मिला है GI टैग, EU GI टैग। ओके, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, हिमाचल है उसको मिला है यूरोपियन यूनियन का GI टैग। हिमाचल प्रदेश बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑर्गेनाइज लिक्योराइज मुलेठी कल्टिवेशन। मुलेठी कल्टिवेशन हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन GI टैग और हिमाचल प्रदेश में ही पहला इंडिया का पहला DNA डेटाबेस बना गया फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। हिमाचल प्रदेश की यही न्यूज़ हो गई। लेट्स क्विकली रिवाइज किया, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश न्यूज़, बाय आंध्र प्रदेश न्यूज़। आंध्र प्रदेश में 108 फीट की मूर्ति
राम जी की अमित शाह ने इनोग्रेट की है, देन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल हो रही बनेगी, एंड वहाँ का जो एक पोर्ट था जिसका नाम था भावना पड्डू, उसका जो नेम चेंज करके मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट कर दिया गया है. ओके, देन वी हैड फ्यू थिंग्स अबाउट अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश के बारे में थिंग वॉज की दैट राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड अ ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश कॉल्ड एस सियोम ब्रिज. एंड वाई इन असाम इन न्यूज, असाम में असम का जो गुवाहाटी स्टेशन है वो पहला डिजी यात्रा फैसिलिटी वाला नॉर्थ ईस्ट का एयरपोर्ट बना. असम टू कम अप विथ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट. नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट असम में होगा. एंड जो उन्होंने बोला है कि हम टूरिज्म को एज अ एक इंडस्ट्री की तरह देखेंगे, ये असम ने बोला है. ओके, मूविंग अहेड, गोवा. गोवा में दैट जस्ट एक नॉर्मल सा ब्रिज है जो नितिन गडकरी ने अभी मतलब बेसिकली इनोग्रेट किया है रिवर जुआरी के ऊपर. देन वी हैव एनटीपीसी गुजरात. एनटीपीसी इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन द पाइप्ड. एनटीपीसी ने गुजरात में पहला इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन द पाइप्ड नेचुरल गैस सेटअप किया है उनकी टाउनशिप में, जो जहाँ पर उनकी टाउनशिप बनी हुई है वहाँ पर उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इन दैट टाउनशिप इन सूरत इन गुजरात. और साथ ही साथ इन गुजरात 54 फीट का अमित शाह ने लॉर्ड हनुमान जी का लाइक मूर्ति स्टैच्यू अनवेल किया है. इंडिया गेट्स फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स इन गुजरात में मिली है. देन सेमीकोलन, इंडिया 2023 इज ऑर्गेनाइज इन गांधी नगर. ओके, देन वी हैव हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश ने बोला है कि वी विल बिकम इन ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2023. हम मतलब जितना ऑक्सीजन हम लेंगे उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हम दे रहे होंगे, सो वी विल बी ग्रीन एनर्जी स्टेट. देन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो सेट कि हमने DNA डेटाबेस बनाया है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ का, कि लोग जो भी लोग अज्ञात होते हैं, जो भी अज्ञात लाशें होती हैं, सो फॉर देयर दे हैव क्रिएटेड अ DNA डेटाबेस. देन अनदर थिंग इज कांगड़ा टी ऑफ हिमाचल प्रदेश गॉट यूरोपियन यूनियंस GI टैग. देन अनदर थिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश विच इज़ वेरी मच न्यूज़ की हिमाचल प्रदेश ने पहली बार मुलेठी का कल्टिवेशन स्टार्ट किया इंडिया में. ओके, मूविंग अहेड, जम्मू नगर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. CRPF सेलिब्रेटेड जश्न ए चिल्लाई कलन विद स्टूडेंट श्रीनगर. ठीक है, CRPF सेलिब्रेटेड जश्न ए चिल्लाई कलन. ओके, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्ट, व्हेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली और नॉट. जश्न ए चिल्लाई कलन या शो टू बिकम्स लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. दिस इज इंपॉर्टेंट. या शो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख. या शो बनी है लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. देन वी हैव जम्मू एंड कश्मीर. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज इनॉग्रेटेड अ ट्यूलिप गार्डन एट सनासर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट. ओके, ट्यूलिप गार्डन ऑर्गेनाइज स्टार्ट इनोग्रेट करा गया है. इंडिया फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व फाउंड इन सलाल हेमाना. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दिस वॉज वेरी मच इन न्यूज. इंडिया फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व 5.9 मिलियन टन फाउंड इन सलाल हेमाना. ओके, इंडिया फर्स्ट गैस इग्लू रेस्टोरेंट ओपन एट गुलमर्ग. इग्लू फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपन एट गुलमर्ग. गुलमर्ग में इंडिया का पहला इग्लू रेस्टोरेंट ऑन किया गया. लद्दाख टू होस्ट इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन एट पेंगोंग शो. ओके, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. इनका पेंगोंग शो वॉज लाइक यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत थी इंडिया चाइना के बीच में. सो लद्दाख टू होस्ट इंडिया फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन एट पेंगोंग शो लेक के ऊपर होगी इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन. आर के माथुर एल जी ऑफ द UT ऑफ लद्दाख लॉन्च द 14 डिजिट यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN इन लद्दाख. ओके, ULPIN लॉन्च ऑफ 14 डिजिट यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN इन लद्दाख. ओके, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू रिलीजेस फर्स्ट एडिशन ऑफ डॉगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. ओके, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट अंजी खट रेलवे ब्रिज विल बी रेडी इन मई 2023. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर. ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर. ठीक है, देन देर इज वन ब्रिज अंजी खाट रेलवे ब्रिज विल बी रेडी इन मई 2023. नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी ये रेडी हुआ नहीं है. ओके, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू रिलीजेस फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट वाई कर्नाटका इज इन न्यूज. सो PM नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म एट श्री
सिद्धारुद्धा स्वामी जी हब्बली स्टेशन इन हब्बली धरवड़ कर्नाटका. ओके द ओनली थिंग विच आई विल रिमेंबर फ्रॉम दिस इज दैट कर्नाटका में मोदी जी ने सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इनोग्रेट किया है. ओके कर्नाटका में. अब थोड़ा सा बस इसको मैं दिमाग से एक बार गुजार लेता हूँ. हब्बली धरवाड़, हब बल्ली धड़वाड़, 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 हब बल्ली धड़वाड़. दिस इज नॉट अ बेड शीट ब्रो. ओके सो हब बल्ली धड़वाड़, 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 हब बल्ली धड़वाड़. ओके सो पीएम मोदी ने कर्नाटका में इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इनोग्रेट किया है जिसका नाम है हब बल्ली धड़वाड़. नितिन गडकरी अनवेल्ड इंडिया फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस इन बैंगलोर. मिथेनॉल रन बसेस इंडिया की पहली कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? बैंगलोर में करी गई है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड वर्ल्ड. ओके दिस इज इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस एशिया में पहली बार बैंगलोर में होने वाली है. ओके क्योंकि कॉफ़ी का कुछ हेड का लाइक वर्ल्ड कॉफ़ी फेडरेशन ऐसा कुछ है जो उसका कुछ हेडक्वार्टर भी बैंगलोर में ही है. सो दैट्स द रीज़न दे आर वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन बैंगलोर. देन मूविंग अहेड इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन इन बैंगलोर. इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन इन बैंगलोर. ओके स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस. सो वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम जम्मू अबाउट जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटका लेट अस रिवाइज क्विकली दैट सेलिब्रेटेड CRPF के जो जवान से उन्होंने जश्न ने चिल्लाई कलन श्रीनगर में स्टूडेंट के साथ में मनाया. ठीक है याया शो बिकम लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याया शो लद्दाख की. ओके याया शो टू बिकम लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. इसके बाद इंडिया का जो पहला लिथियम रिजर्व है वो फाउंड करा गया जम्मू कश्मीर में सलल हैमाना में. देन इंडिया का फर्स्ट क्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में ओपन करा गया. लद्दाख होस्ट करने वाला है पेंगोंग शोक लेक पे पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन. देन वी हैव लॉन्च अ 14-डिजिट यूनिक लैंड पास आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN इन लद्दाख. देन अदर थिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर. टॉकिंग अबाउट द कर्नाटका, कर्नाटका वी हैव हब्बाली धरवाड़ जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म विच वॉज इनोग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी जी. देन वी हैव नितिन गडकरी अनवेल्ड इंडिया फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस इन बेंगलुरु. वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन बेंगलोर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन इज बेंगलुरु. मूविंग अहेड ओके लेट्स टॉक अबाउट केरला इन न्यूज. वाई केरला इज इन न्यूज. यस बैटरी इज लो सो आई नीड टू पुट अ चार्ज. ओके नाइस. लेट्स टॉक अबाउट माय केरलाइजिंग न्यूज. वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स ओपन इन थिरुवनंतपुरम केरला. वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ओपन इन थिरुवनंतपुरम थिरुवनंतपुरम केरला. ठीक है वर्ल्ड का पहला म्यूजियम पाम लीफ पे जिनके ऊपर लिखते हैं उससे रिलेटेड थिरुवनंतपुरम में ओपन करा गया. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज इज दिस. सीएम पिनराई विजयन हैज डिक्लेयर्ड केरला एज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो फुल्ली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विसेज. ओके फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो फुल्ली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विसेज. अभी ये लोग कागज का यूज नहीं करते हैं केरला में बैंकिंग सर्विसेज के लिए. ओके द सीएम ऑफ केरला इज पिनराई विजयन. ठीक है पिनराई विजयन. कोलम बिकम्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. ओके कोलम बिकम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. वी आर इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया वी आर स्ट्रगलिंग फॉर लिटरेसी. इन केरला पीपल आर गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट एज वेल. ओके फ्रॉम यू गॉट दिस मटेरियल. फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस मटेरियल. आई जस्ट गॉट इट फ्रॉम द टेलीग्राम ब्रदर. देर इज अ ग्रुप बाय द नेम ऑफ वर्बल मैथ्स बाय अभास सिनी. आई गॉट इट फ्रॉम देयर. यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम देयर एंड गेट इट प्रिंटेड. मूविंग अहेड केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स बेंडीकूट टू क्लीन मैन होल्स. बंदीकूट. ओके बम फर्स्ट टू यूज रोबोटिक. ओके केरला टू यूज फर्स्ट रोबोटिक स्कैवेंजर्स बेंडीकूट टू क्लीन मैन होल्स. ओके मैन होल्स दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन. पीएम मोदी फ्लैग ऑफ इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इन कोची. फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है ये. आई हैव सीन अ ब्लॉग रिलेटेड टू दिस दैट मेट्रो प्रोजेक्ट मेट्रो रन्स इन कोची.
ठीक है, लाइक वहाँ पर देयर आर बोट्स विच केरी यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन आइलैंड टू अनदर, और उसको ये लोग मेट्रो कहते हैं, वाटर मेट्रो. पीएम मोदी लेट फाउंडेशन स्टेट फॉर स्टोन फॉर द फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इन तिरुवनंतपुरम, जो अंदर से एकदम मेट्रो की तरह लगती है, इट्स जस्ट पैक्ड. पीएम मोदी फ्लैग ऑफ इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इन कोची. पीएम मोदी ओके फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, फर्स्ट वाटर प्रोजेक्ट इन कोची. पीएम मोदी लेट फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इन तिरुवनंतपुरम, फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इन तिरुवनंतपुरम. केरल बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इन इंडिया टू अडॉप्ट अ वाटर बजट टू टेकल वाटर शॉर्टेज इन समर. अडॉप्ट अ वाटर बजट, ऑल द गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन केरला. इट सीम्स लाइक दैट ऑल द गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन केरला. वायनाड, केरला बिकम्स इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स. ओके, बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स भी केरला में दिए गए. डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स. देन वी हैव हायर, केरलास हायर एजुकेशन मिनिस्टर अलाउ 16 डेज मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल स्टूडेंट्स. वायनाड, केरला हैज बिकम द फर्स्ट ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट, ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. ठीक है, वायनाड बिकम द फर्स्ट ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट. ODF प्लस, ये जो पंचायत में था ODF स्टेटस, ODF स्टेटस, सो इट्स अबाउट दिस ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री. देन वी हैव स्टेट ओन केरला शिपिंग एंड इनलेट नेविगेशन कॉर्पोरेशन KSINC हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स सोलर पावर्ड हाइब्रिड बोट शूर्यम शू, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूरिस्ट बोट इन केरला इन कोची बैकवाटर्स केरला. जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Okay, Wayanad, Kerala has become the first ODF plus district in Kerala. State-owned Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation has introduced solar-powered hybrid boat. Kerala has become first state to have drone surveillance in all police districts. Drone surveillance in all police districts, again a good thing, which is only there in Kerala. That state-owned Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation. Okay. Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation has introduced its solar-powered hybrid boat, Shuryamshu. Okay, Shuryamshu, a first of its kind tourist boat in Kerala in Kochi Backwaters, Kerala. Okay, in Kerala, they have launched a solar-powered boat, a tourist boat, jiska naam rakha gaya hai Shuryamshu. The Irinji Jalapalli Shri Krishna Temple in Kerala, Thrissur district, has become the first in country to use a mechanical life-like elephant for temple rituals. That's a fantastic idea. टेम्पल रिचुअल्स के लिए उन्होंने एक लाइफ लाइक एलिफेंट, एक मैकेनिकल एलिफेंट बनाया ताकि वो वहाँ पर जो रथ हैं वो हाथियों को ना खींचना पड़े. सो इन्होंने जला पिल्ली श्री कृष्णा टेम्पल इन केरला त्रिशूर. अगेन अ वेरी गुड आइडिया है, केरला इज डूइंग फैंटास्टिक. केरला फर्स्ट AI स्कूल लॉन्च इन, AI स्कूल लॉन्च इन तिरुवनंतपुरम. ओके, केरला फर्स्ट. ओके, देर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट केरला, सो वी हैव टू रिवाइज केरला वंस अगेन. जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स before I do, sir. And, before that, okay. Kerala's first AI school launched in Thiruvananthapuram. Drone surveillance in all police districts. Irinja Padilli Shri Krishna Temple in Kerala Thrissur districts. Bana hai pehla aisa temple jahan par mechanical life-like elephant use kare ja rahe hain for temple rituals. Kerala's first AI school Thiruvananthapuram mein open kara gaya. Wayanad, Kerala has become the first ODF plus district of India. Aur Kerala mein hi backwaters mein jab unka ek boat hai jisko unhone solar powered hybrid boat bana diya hai, uska naam rakha hai Shuryamshu. And Wayanad, Kerala becomes India's first district to provide basic documents. Wayanad jo district hai Kerala ki, wahan par wo pehli district bani jo basic documents provide kar rahi hai for all tribals. Kerala ne adopt kiya water budget to fight वाटर स्कैसिटी ड्यूरिंग समर. रोबोटिक स्कैवेंजर्स इन्होंने बनाए हैं बंदीकूट टू क्लीन मेन होल्स. CM पिनराई विजयन ने बोला कि केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गो फुल्ली डिजिटल इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सर्विसेज. कोल्लम बिकम्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. मूविंग अहेड विथ माई स्टेट मध्य प्रदेश, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल स्टार्टेड इन MP. गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल MP में स्टार्ट हुआ.
माओगंज हमारी 53 डिस्ट्रिक्ट बनी मध्य प्रदेश की, 53rd डिस्ट्रिक्ट. नाउ देयर आर 53 डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश, माओगंज बीइंग द 53rd विद 785 विकेट्स. मध्य प्रदेश retained its spot as our tiger state. Again, we are having the highest number of tigers. PM Modi led foundation of Sant Ravidas temple in Madhya Pradesh. Sant Ravidas temple in Madhya Pradesh. Foundation, Sant Ravidas temple. So there are three things about which Madhya Pradesh in use, which are important. First being tiger state, everybody knows it. So I'm not going to mark it. So Gandhinagar floating festival started, Gandhi Sagar floating festival started in Madhya Pradesh. Maoganj became 53rd district of Madhya Pradesh and Sant Ravidas temple in Madhya Pradesh. Actually MP, मैंने देखा कि एमपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स. सो एमपी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो जस्ट रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स लाइक माओगंज इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूछा जा सकता है. महाराष्ट्र न्यूज, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अरेबिक एकेडमी इन मुंबई. द एकेडमी बिलोंग्स टू दाऊदी बोहरा कम्युनिटी. ओके, नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अरेबिक एकेडमी. अरेबिक एकेडमी ओपन करिए. द एकेडमी बिलोंग्स टू दाऊदी बोहरा कम्युनिटी. यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क नितिन गडकरी ने बनाई. अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन नागपुर. इन नागपुर दिव्यांग पार्क बना है पहली बार. अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, अनुभूति करना. सो अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन नागपुर जो ओके. सो आई वाज जस्ट गेटिंग कॉल, आई जस्ट हैंग इट अप. Calling back later. The union government has approved the remaining of Maharashtra's Aurangabad city as Chhatrapati Sambhaji Nagar and that of Osamabad city as Dharashiv. Okay, just let me do from whom I was getting a call. I'm getting a call from Rahul. As you might have seen him, he was having his SSB today at Gandhinagar. So I know he's calling me to just tell me his result, but as currently we are going live, I can talk to him. I will be talking to him once I hang up this call. Or agar wo baad mein utha leta, so I will be assuming that he got screened in. Or agar wo baad mein nahi, agar baad mein nahi utha leta, so I will assume that he got screened in. Agar baad mein utha leta, so I will get to know that he got screened out. This is a simple thing. Arabic Academy in Mumbai started when inaugurated by PM Narendra Modi, Daudi Bohra community ke liye. Then we have world's ka largest aur uniquest divyang park Nagpur mein kara gaya hai Nitin Gadkari ke dwara. The union government has approved the remaining of Maharashtra's Aurangabad city as Chhatrapati Sambhaji Nagar. Bola gaya ki iska hum ye naam rakh lete hain. Aur and that of Osamabad city as Dharashiv. ठीक है, और औरंगाबाद का बोला है कि नाम करके छत्रपति संभाजी नगर रखेंगे नाम. ओके, ठीक है. एप्पल INC टू ओपन इट्स फर्स्ट इंडिया स्टोर. एप्पल अपना पहला स्टोर इंडिया में मुंबई में लेके आने वाला है. ओके, आई थिंक इट्स गुड. ओके, एप्पल टू ओपन इट्स फर्स्ट इंडिया स्टोर इन मुंबई. इंडिया फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च इन मुंबई. फर्स्ट डबल डेकर AC बस इन मुंबई. द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन अ वानी बरोडा हाईवे कनेक्टिंग चंद्रपुर एंड यातामाल डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन वानी बरोडा हाईवे कनेक्टिंग चंद्रपुर एंड यातामल डिस्ट्रिक्ट. ओके, महाराष्ट्र रिकोगनाइज जय जय महाराष्ट्र मजा हाँ एज अ स्टेट सॉन्ग. जय जय महाराष्ट्र मजा हाँ जय जय महाराष्ट्र मजा इन्होंने अपना एक स्टेट सॉन्ग बना दिया है. जय जय महाराष्ट्र मजा, जय जय महाराष्ट्र मजा, जय जय महाराष्ट्र मजा, जय जय महाराष्ट्र मजा, जय जय महाराष्ट्र मजा इनका स्टेट सॉन्ग बन गया है. एम्स नागपुर बिकम्स फर्स्ट एम्स टू रिसीव अ NABH एक्रीडेशन. नावी मुंबई टू बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी. ओके, नवी मुंबई पहली सेप्टिक टैंक नहीं है यहाँ पर, नवी मुंबई में है. मुंबई थाने टू गेट्स इंडिया फर्स्ट एवर वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस. ओके, सो सबसे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड विद महाराष्ट्र, बी चेक दैट मुंबई में पहली बार इंडिया की पहली AC डबल डेकर बस चलाई गई. 200 मीटर का बैम्बू क्रश बैरियर महाराष्ट्र में करा गया रिसेंटली. जे जय महाराष्ट्र मजा स्टेट सॉन्ग बना दिया गया महाराष्ट्र का. नवी मुंबई बनी है पहली सेप्टिक टैंक फ्री सिटी. नागपुर बिकम फर्स्ट एम्स टू रिसीव NABH accreditation. ये भी याद रखने वाली चीज़ है. ये कुछ होता होगा मुझे पता नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू रिमेंबर दिस. ओके, मूविंग अहेड अबाउट मेघालय. वाई इज मेघालय न्यूज. मेघालय यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनोग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इन मेघालय. यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर
यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ मेघालय में करा गया, मेघालय में नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ इज इन मेघालय. देन वी हैव इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग बी सेटअप इन शिलोंग. ऑनलाइन गेमिंग का फर्स्ट एक्सीलेंस शिलोंग में. देन मेघालय शिलोंग इज सेट टू होस्ट स्पेस 20 प्रोग्राम ऑफ G20 इन अप्रैल. ओके, शिलोंग में स्पेस 20 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा गया. ओके, साहिल विच सी ए मैगजीन, करंट अफेयर मैगजीन. सो दिस यू कैन डाउनलोड दिस, लाइक आई विल बी शेयरिंग दिस करंट अफेयर PDF विथ यू इन अवर चैनल. सो यू कैन जॉइन इट जस्ट बाय सर्चिंग यूपीएससी विद इन माय टेलीग्राम. आई विल बी शेयरिंग दिस विथ यू. दिस इज जस्ट अ करंट अफेयर मैगजीन और ये मतलब एक कोचिंग सेंटर वालों की है. वर्बल मैथ्स बाय भाषणी मैंने उनकी वीडियो डाउनलोड करी है. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन डायरेक्टली सर्च इट ऑन टेलीग्राम, अदरवाइज आई विल बी अपलोडिंग शेयरिंग दिस इन अवर चैनल. सो इट्स अप टू यू. बाकी इंडियाज फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर टू बी बिल्ड इन दिल्ली. फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर टू बी बिल्ड इन दिल्ली बाय CM मनीष सिसोदिया. लॉन्च दस व्हाट्सएप चैट बोट. ओके, डिप्यूटी CM मनीष सिसोदिया लॉन्च द व्हाट्सएप चैट बोट बाल मित्र डेवलप्ड बाय दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. ओके, एक व्हाट्सएप चैट बोट इन्होंने लॉन्च किया है दिल्ली में, डिप्यूटी जो इनके CM है मनीष सिसोदिया ने, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए व्हाट्सएप चैट बोट दिल्ली में करा गया है. ओके, नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर MES एट दिल्ली हार्ट. दिल्ली हार्ट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर करा गया है. एंड देन नितिन गडकरी लॉन्चेस द वर्ल्ड फर्स्ट 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार इन न्यू दिल्ली. इथेनॉल से चलने वाली कार बनाई गई है. लॉन्च कहाँ करी गई है? नितिन गडकरी के द्वारा दिल्ली में करी गई है. नितिन गडकरी ने बहुत सारे रिसेंटली काम कराए गए, कहीं ना कहीं हाईवे लॉन्च हुआ है कहीं पर, जैसे गोवा में नितिन गडकरी जी ने लाइक एक जोआरी रिवर के ऊपर एक ब्रिज बन रहा है, ही इनॉग्रेटेड दैट ब्रिज. सो देर आर वेरियस थिंग्स विच आर डन बाय नितिन गडकरी. मूविंग अहेड, अभी दिल्ली में हमने बात करी कि दिल्ली में चैटबॉट बनाया गया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर बाल मित्र फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन दिल्ली. मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया दिल्ली हार्ट में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, ठीक है, लॉन्च किया गया बेसिकली. एंड देन नितिन गडकरी लॉन्चेस द वर्ल्ड फर्स्ट 100% इथेनॉल फ्यूल कार इन न्यू दिल्ली. ठीक है, मूविंग अहेड, बट ओके, लेट्स कंप्लीट ऑडिशन देन वी विल क्विकली रिवाइज जो भी हमने पढ़ा. CM नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड द बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ सीटेड कैपेसिटी ऑफ 20,000 इन राउरकेला ओडिशा. ठीक है, अभी ये याद करना इसलिए सिंपल है क्योंकि ओडिशा में रिसेंटली हॉकी का कप वर्ल्ड कप कराया गया था, सो उधर जरूरत थी. तो CM नवीन पटनायक ही इज़ अ गुड CM इन ओडिशा में, बहुत अच्छे से काम हुआ है रिसेंटली. बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम करा गया, इसकी कैपेसिटी 20,000 रखी गई है राउरकेला ओडिशा में. गणेशी लाल गवर्नर ऑफ ओडिशा लॉन्च्ड अमा कुर्श AI इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर अमा कुर्श AI ओडिशा में करा गया. पहला चैटबॉट है, चैटबॉट एक और बना हुआ है व्हाट्सएप चैटबॉट जो दिल्ली ने बनाया किसके लिए, बाल मित्र फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. और एक ओडिशा ने बनाया हुआ है चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर अमा कृषि तो ऐसा हुआ है. सो गंधा मर्दन हिल फॉर ओडिशा नेम्ड एज 37th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. एक और जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाई गई है वो लद्दाख में बनाई गई है, राइट, लद्दाख में बनाई गई है. वी हैव जस्ट सीन इट, लेट मी जस्ट शो यू. लद्दाख में वी कैन सी दैट याया शो टू बिकम लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, याया शो. सो कमिंग बैक हेयर अगेन, ओडिशा स्टार्टेड कैबिनेट अप्रूव्ड a proposal to recommend the inclusion of the Kui language in the 8th schedule of the Constitution of India. Odisha State Cabinet approved a proposal to recommend the inclusion of the अभी ये मतलब सेंट्रली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं हुआ है, बट ओडिशा की जो कैबिनेट है उन लोगों ने इसको मतलब अप्रूव कर दिया. ओडिशा की जो स्टेट कैबिनेट है कि हम जो कुई लैंग्वेज है उसको चाहते हैं कि वो 8th शेड्यूल में इंडिया के ऐड हो जाए. 8th शेड्यूल में क्या आता है? 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस. सो 8th शेड्यूल में कुई लैंग्वेज को मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं.
कुई. ओके सो बिफोर वी गो अहेड लेट्स अस क्विकली रिवाइज व्हाट यू हैव रेड टिल नाउ. सो उड़ीसा बुरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम सेटअप करा गया उनके सीएम के द्वारा और ये सबसे ज्यादा सेटिंग कैपेसिटी का हॉकी स्टेडियम है. देन वी हैव अमा क्रुशाई जो चैटबॉट है कृषि के लिए इन उड़ीसा. देन वी हैव 37 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ हिल्स गंधामर्दन हिल्स ओडिशा में सेटअप किया गया. 37 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. ओडिशा स्टेट कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल टू रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ द कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है व्हाट्सएप अब बात करें न्यू दिल्ली की. व्हाट्सएप चैटबॉट करा गया बाल मित्र फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया एंड देयर बी 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार इन न्यू दिल्ली. मेघालय में नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ मेघालय में वो करा गया है. इनोग्रेट किसके द्वारा करा गया है वेलफेयर ओके एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा. देन शिलोंग इज सेट टू होस्ट स्पेस 20 प्रोग्राम ऑफ G20 कहाँ पर हुआ है स्पेस 20 प्रोग्राम शिलोंग में हुआ है. देन वी हैव अबाउट महाराष्ट्र AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च हुई है मुंबई में. 200 मीटर्स लॉन्ग बेम्बू क्रैश बैरियर बना हुआ है महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र रिकग्नाइज जे जय महाराष्ट्र मजाहा एज स्टेट सॉन्ग. फर्स्ट एम्स टू रिसीव NABH accreditation aims Nagpur Navi Mumbai to become country's first septic tank free city. Moving ahead with Arabic, PM Modi ने महाराष्ट्र में अरेबिक अकेडमी इनोग्रेट करी है इन मुंबई. बिलोंग्स टू दाऊदी भोरा कम्युनिटी. देन वी हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क जो नागपुर में सेटअप करा गया है. देन वी हैव छत्रपति संभाजी नगर जो नाम कर दिया गया है औरंगाबाद का नया नाम और उसामाबाद सिटी का नाम दारा शिफ्ट कर दिया गया है. मध्य प्रदेश न्यूज़ मध्य प्रदेश इसलिए न्यूज़ में मध्य प्रदेश में 53 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई जिसमें जो अभी लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है माओगंज. देन वी हैव गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल विच इज़ गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन विच इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन MP. PM मोदी लैंड लेट फाउंडेशन ऑफ संत रविदास टेम्पल इन मध्य प्रदेश. मूविंग अहेड विथ केरला CM पिनराई विजयन ने बोला कि हम केरला बैंकिंग सर्विसेज को केरला में पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया गया है. तो पहला ये स्टेट बन चुका है ये करने के बाद. कोलम बिकम्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोलम के लोगों को सबको पता है. देन रोबोटिक स्कैवेंजर्स बनाए इन्होंने ताकि आदमियों को मेन होल्स में ना घुसना पड़े. सो सीवेजेस साफ ना करें. सो बंडीगुड उन रोबोटिक स्कैवेंजर्स का इन्होंने नाम रखा हुआ है. देन वी हैव PM मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इन कोची. वाटर मेट्रो रिसेंटली कोची में करी गई है. यू कैन ऑल्सो सी वेरियस ब्लॉग्स रिगार्डिंग दैट ऑन यूट्यूब. अडॉप्ट अ वाटर बजट टू टैकल वाटर शॉर्टेज इन समर. केरला ने एक वाटर बजट भी लेके आया है रिसेंटली. केरला ही लेके आया है. डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स. वेनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड ऑल द बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ट्राइबल्स. ऑल द बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ट्राइबल्स वेनाड डिस्ट्रिक्ट में दिए गए हैं. वेनाड केरला हैज बिकम द फर्स्ट ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट. ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस डिस्ट्रिक्ट वेनाड बन चुकी है. वेनाड में कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं. जैसे वेनाड में सबसे पहले तो जो भी ट्राइबल्स थे उन सबको बेसिक डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए. एंड वेनाड में ODF प्लस फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी है इंडिया की. दैट शूर्यमशु करके इन्होंने एक सोलर पावर्ड हाइब्रिड बोर्ड करी है लॉन्च इंट्रोड्यूस करी है केरला में अपने टूरिज्म के लिए. देन दे हैव ड्रोन सर्विलेंस इन ऑल पिल्ली डिस्ट्रिक्ट इन केरला एंड द इरिंजिड़ा पिल्ली श्री कृष्णा टेम्पल इन केरला. यहाँ पर मैकेनिकल लाइफ लाइक एलिफेंट्स बनाए गए हैं एलिफेंट्स को रिप्लेस करने के लिए मंदिर में. देन केरला फर्स्ट AI स्कूल टू बी लॉन्च इन तिरुवनंतपुरम. मूविंग अहेड केरला एक और चीज़ है जो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट तिरुवनंतपुरम में वर्ल्ड का पहला केरला में करा गया है तिरुवनंतपुरम में. देन टॉकिंग अबाउट द कर्नाटक क्वाइट कर्नाटक न्यूज़. यहाँ पर लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म मोदी जी के द्वारा वो करा गया है लॉन्च हुबाली धरवाड कर्नाटका में. द फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस इन बेंगलोर करी गई हैं. वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस होने वाली है बेंगलोर में. 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ है बेंगलोर में. जम्मू कश्मीर की बात करें तो CRPF सोल्जर्स सेलिब्रेटेड जश्न चिल्लाई कलन विद स्टूडेंट इन श्रीनगर. याया शो बिकम्स लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इज इनॉग्रेटेड ट्यूलिप गार्डन वो करा गया है. नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. इंडिया फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व हाँ जरूरी है जम्मू कश्मीर में मिला है सलाल हैमाना में. देन इग्लू रेस्टोरेंट पहला गुलमर्ग में करा गया है. लद्दाख टू होस्ट इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख में पेंगोंग शो पे होने वाली है. देन यू हैव ULPIN इन लद्दाख. देन अदर थिंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर. टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश ने पहला DNA डेटाबेस बनाया है सारी अज्ञात
डेड बॉडीज के लिए। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा टी है उसको ईयू का जीआई टैग मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑर्गेनाइज लिक्योराइज मुलेठी का कल्टीवेशन। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पहला स्टेट हुआ जो मुलेठी का कल्टीवेशन करने वाला है, मुलेठी का कल्टीवेशन करने वाला है। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन चुका है। मूविंग अहेड विथ गुजरात, गुजरात इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन गुजरात में एनटीपीसी ने अपनी टाउनशिप में चालू किया है, पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी वाला, ठीक है। देन अमित शाह ने 54 फीट्स की हनुमान जी की मूर्ति अनवेल करी है गुजरात में। इंडिया फर्स्ट आईवीएफ मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स गुजरात में भी लॉन्च किया गया है। एंड सेमी कॉलर इंडिया 2023 इज इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी इन गांधीनगर। द नेक्स्ट वन इज गोवा, गोवा में रिवर जुआरी के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। बिहार इन न्यूज, बिहार इज न्यूज बिकॉज बिहार में इलेक्शन कमीशन का जो स्टेट आइकन है वो मैथिली ठाकुर को बना दिया गया है। असम, असम में जो टूरिज्म है उसको इंडस्ट्री वाला सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर का स्टेटस दे दिया गया है। और कंप्रेस बायोगैस प्लांट, असम टू कम अप विथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट एवर कंप्रेस बायोगैस प्लांट। गुवाहाटी एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का पहला डीजी यात्रा फैसिलिटी वाला एयरपोर्ट बन चुका है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड सीओम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। दैट्स अबाउट अरुणाचल प्रदेश। मूविंग अहेड विथ आंध्र प्रदेश बाय इस आंध्र प्रदेश इन न्यूज। सो टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश, तो टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल होगा। आंध्र प्रदेश का भावानड्डू पोर्ट श्रीकाकुलम मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। एंड लॉर्ड राम की मूर्ति अमित शाह के द्वारा यहां पर 108 फीट की करी गई है कुरनूल में। देन वी हैव समथिंग नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज में यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मेशो। किसके लिए? ऑन बोर्ड रूरल वुमेन को एज ऑनलाइन सेलर लाने के लिए मीशो के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट सिलवासा में नरेंद्र मोदी जी ने वो इनोग्रेट किया है। देन वी हैव इनकोवैक, ये इंटरनेशनल फर्स्ट, वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन है इनकोवैक। देन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्न स्टेशन मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। और निर्मला सीतारमन ने रेल विकास निगम को नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है, नवरत्न स्टेटस टू रेल विकास निगम। इंडिया हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द प्लेनरी ऑफ द वेसिना अरेंजमेंट। देन वी हैव अमृत उद्यान, मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बनाया जाएगा। 21 आइलैंड्स को परमवीर चक्र के अवॉर्डीज उनके नाम से जाना जाएगा। आप अंडमान एंड निकोबार में एज ए प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए थे to attend our Republic Day Parade. Moving ahead. Why is Punjab or Chandigarh is in news? Punjab government has launched School of Eminence project. Under this project, Punjab government will upgrade 117 government schools. स्कूल ऑफ एमिनेंस होके, ठीक है, अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर ये लोग ध्यान देने ही वाले हैं ऑब्वियसली। तो 117 गवर्नमेंट स्कूल्स को ये लोग क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित इनोग्रेटेड नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। इंडिया का लार्जेस्ट तो वी हैव इन MP फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। ओके, आई थिंक दिस वाज आल्सो लॉन्च इन तेलंगाना। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स, ये बहुत ज़्यादा हर जगह पर आजकल लॉन्च हो रहे हैं। अभी जो नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट पंजाब में लॉन्च किया गया है। रिमेंबर दिस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर एट मोहाली। दिस इज इंपॉर्टेंट, नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर एट मोहाली जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया है। पंजाब बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक। स्कूल ऑफ एमिनेंस, पंजाब गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्कूल ऑफ एमिनेंस, जहाँ पर ये लोग 117 गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे। देन दे हैव लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो बनवारा लाल पुरोहित ने इनोग्रेट किया है, और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा। देन वी हैव नेशनल जीनोमिक एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर एट मोहाली पंजाब। एंड देन देर इज राइट टू वॉक जो पंजाब में किया गया। राजस्थान हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग राइट टू साइट। ओके, कंट्रोल ब्लाइंडनेस, अंधापन रोकने के लिए राजस्थान में काम किया है, ठीक है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत अनाउंसेस क्रिएशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 न्यू डिविजनल हेडक्वार्टर्स, नाउ टोटल नंबर डिस्ट्रिक्ट्स आर 50, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट लाइक मोहगंज MP में बनाए गए, नाउ MP है 53 डिस्ट्रिक्ट्स, और अब राजस्थान में 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करी गई है, 3 डिविजनल हेडक्वार्टर्स करे गए हैं। सो राजस्थान नाउ हैव वन हाफ सेंचुरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच इज 50। आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर लीथियम रिजर्व्स हैव बीन ट्रेस्ड इन देगाना डिस्ट्रिक्ट। ओके, हेमाना में मिले, जम्मू कश्मीर में हेमाना में लीथियम रिजर्व्स मिले हैं, एंड दे हैव बीन कॉल्ड देगाना। सो हेमाना एंड देगाना, वी फाउंड द लीथियम रिजर्व्स।
टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु इज तमिलनाडु ने भी पुलिस ड्रोन यूनिट्स लॉन्च करी हैं और केरला में इन एवरी पुलिस स्टेशन वी हैव ड्रोन. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट अबाउट केरला एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट अबाउट तमिलनाडु. सो ओके, अब तमिलनाडु आया तो तमिलनाडु जो पोंगल है वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है, ओनम इज फेस्टिवल ऑफ केरला. तेलंगाना इन न्यूज, तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव अनवेल्स इंडियाज़ टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू 112 फीट इन हैदराबाद. हैदराबाद में अंबेडकर का सबसे बड़ा स्टैच्यू 120 फीट का हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव ने किया है. त्रिपुरा इन न्यूज, इंडिया फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटर बेस एंड कम्युनिकेशन हैज लॉन्च. फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटर बेस एंड कम्युनिकेशन हैज लॉन्च अगरतला त्रिपुरा. ठीक है, अगरतला त्रिपुरा में इंडिया का पहला लॉजिस्टिक वाटर बेस एंड कम्युनिकेशन वाला स्कूल लॉन्च किया गया है. फिर हमने मेघालय के बारे में भी कुछ पढ़ा था. हमने मेघालय के बारे में हमने पढ़ा था कि इधर नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करा गया था नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो हमारे कृषि मंत्री हैं. देन शिलोंग इज सेट शिलोंग में G20 की स्पेस 20 प्रोग्राम को होस्ट किया गया था. वी ऑल्सो लर्न समथिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश. सो अरुणाचल प्रदेश के बारे में यही था कि उसमें जो एक ब्रिज था सीओम ब्रिज, उसको राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया है रिसेंटली. सो दैट्स एंड ओके, देर वर फ्यू थिंग्स अबाउट असम इस वे जो हमने पढ़ी थी. असम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि असम में एक तो टूरिज्म को उन्होंने इंडस्ट्री वाला वो दे दिया है कि टूरिज्म भी हमारी एक इंडस्ट्री होगी, उसको वाला इंडस्ट्री वाला टैग दे दिया है. कंप्रेस बायोगैस प्लांट नॉर्थ ईस्ट का पहली बार असम में लगाया गया. एंड देन वी हैव गुवाहाटी एयरपोर्ट को डिजी यात्रा फैसिलिटी देने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला ये एयरपोर्ट हो गया. मूविंग अहेड विथ उत्तर प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन. डिजिटल हेल्थ कार्ड्स उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं. 117 गवर्नमेंट स्कूल पंजाब में अपग्रेड किए जा रहे हैं. ओके, काशी डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO. काशी डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO की फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल SCO की फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल काशी को बना दिया गया. काशी डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO. आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस, वी आर फोर ऑफ अस हेयर, सो लाइक प्लीज कमेंट. ओके, लेट्स मेक दिस ग्रुप स्टडी बिट इंटरेक्टिव. सो यू कैन कमेंट एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडीज. ओके, ओनली रिलेटेड टू स्टडीज. So we can also have interaction, ताकि it doesn't becomes very much like ऐसा था ना monologue type का, बस एक इंसान बोले जा रहा है. I don't want to create it like that. So you can comment anything whichever you want, but keep it related to studies as much as possible. Okay, modern coach factory MCF stadium in Raebareli, Uttar Pradesh has been renamed the Rani's girls hockey turf in honor of former captain of Indian women's hockey team Rani Rampal. The modern coach factory stadium in Raebareli, Uttar Pradesh has been renamed as Rani's girls hockey turf. ठीक है, so ये एक जो इधर रायबरेली में जो एक हॉकी स्टेडियम था उसको रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जो ये रानी रामपाल थी वो हॉकी इंडिया की टीम की पहले एक फॉर्मर कैप्टन रही है. ठीक है, यूपी गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट फार्मा पार्क इन ललितपुर. फार्मा पार्क बनेगा ललितपुर में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड. यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस एल्डर लाइन सर्विस टू गिव शेल्टर टू एल्डरली होमलेस. ओके, लॉन्चेस एल्डर लाइन सर्विस इन्होंने करी है. देखो, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स बनाए हैं चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पर, एंड एल्डर लाइन सर्विस करी गई है. और चैटबोर्ड व्हाट्सएप वाला चैटबोर्ड फॉर चिल्ड्रन बनाया गया है दिल्ली में फॉर देयर प्रोटेक्शन. एल्डर लाइन सर्विस टू गिव शेल्टर टू एल्डरली होमलेस. द थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैज बीन कंक्लूडेड एट IIT BHU कैंपस इन वाराणसी. इंडिया फर्स्ट वैदिक थीम पार्क अनवेल्ड इन नोएडा. वैदिक थीम पार्क नॉर्मेड इन नोएडा. और थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैज बीन कंडक्टेड IIT BHU कैंपस. IIT BHU में थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कराए गए हैं IIT BHU कैंपस में. IIT BHU के कैंपस में, IIT भुवनेश्वर के कैंपस में, इंडिया के थर्ड IIT BHU के कैंपस में इंडिया के थर्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कराए गए हैं. एल्डर लाइन सर्विस इन्होंने लॉन्च करी है टू गिव शेल्टर टू एल्डरली होमलेस. जो बूढ़े लोग हैं, जो बेसहारा हैं, बेघर हैं, उनको एल्डरली लाइन इन्होंने लॉन्च करी यूपी में. देन डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रंस. देन जो काशी है उसको टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बना दिया है SCO का. रानी गर्ल्स हॉकी टफ स्टेडियम का नाम कर दिया गया है एक कोई से स्टेडियम का. सो दीज आर द थिंग्स अबाउट उत्तर प्रदेश. टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड के बारे में, एशिया सेकेंड एंड कंट्रीज फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु इज बीन कंस्ट्रक्टेड इन ऋषिकेश. ऋषिकेश में बजरंग
इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बजरंग सेतु. दिस इज इम्पॉर्टेंट बट इट विल बी इम्पॉर्टेंट इन फ्यूचर. बट अभी से थोड़ा सा बस दिमाग में रख लेते हैं कि बजरंग सेतु इज गेटिंग क्रिएटेड इन ऋषिकेश. एशिया का ये सेकेंड केबल सस्पेंशन ब्रिज है. थर्ड विंग इज वेस्ट बंगाल इन न्यूज. विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल इज सेट टू बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी. विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल इज सेट टू बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी. सेट टू बिकम फर्स्ट लिविंग हेरिटेज. कोलकाता विल गेट इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो. कोलकाता को इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बनी गई और ये सीजीएल के पहले पूछा गया था ये कौन से महीने तक इसके आने के चांसेस हैं. सो अभी तक तो आई नहीं है बट आने वाली है. लाइक सेप्टेम्बर तक था इसका आने का प्रोबेबली. ओके ओके मूविंग अहेड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट कैंपेन्स. बट उससे पहले हम एक बार अगेन विल रिवाइज दिस थिंग्स क्विकली ताकि आगे पार्ट पीछे सपाट ना हो. सो वेस्ट बंगाल फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी. फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बंगाल में करी गई है. विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनेगी फर्स्ट वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनेगी विश्व भारती यूनिवर्सिटी. कोलकाता विल गेट इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन मेट्रो टन है. ठीक है. एशिया सेकेंड एंड कंट्रीज फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु. देन ये उत्तराखंड में क्या है कि बजरंग सेतु बन रहा है ऋषिकेश पे एंड इन ऋषिकेश. एंड देन टॉकिंग अबाउट द उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए गए चिल्ड्रंस के लिए. देन एल्डरलाइन सर्विसेज फॉर एल्डरली होमलेस. देन थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आईआईटी बीएचयू में कराए गए हैं. इंडिया फर्स्ट वैदिक थीम पार्क अनबिल्ड इन नोएडा. देन वी हैव काशी डिक्लेयर्स एज फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ. मूविंग अहेड अप टॉकिंग अबाउट त्रिपुरा. इंडिया फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटर बेस एंड कम्युनिकेशन हैज लॉन्च इन अगरतला त्रिपुरा. त्रिपुरा में इंडिया का फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स. इंडिया में केरला का फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स त्रिपुरा में इंडिया फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटर बेस एंड कम्युनिकेशन हैज लॉन्च इन अगरतला. तेलंगाना की बात करें तो जो सी जे के चंद्रशेखर राव हैं उन्होंने अनवील किया है अम्बेडकर का 125 फीट ऊंचा स्टैचू. इंडिया फर्स्ट पुलिस ड्रोन लॉन्च किया गया है चेन्नई में तमिलनाडु में. ओके एंड टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अब राजस्थान में 19 डिस्ट्रिक्ट्स बनी है. 3 डिविजनल हेडक्वार्टर्स बने हैं तो इसमें अब 50 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं. देगाना डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान में भी लिथियम रिजर्व मिले हैं. हेमाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के बाद. और राजस्थान में कंट्रोल ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए उन्होंने राइट टू साइड करके कुछ ना कुछ कैंपेन वगैरह स्टार्ट किया है. ठीक है. इंप्लीमेंट पॉलिसी लाए हैं ये अंधेपन को रोकने के लिए. देन वी हैव टॉकिंग अबाउट पंजाब. पंजाब में उन्होंने बोला कि हम लोग अपग्रेड करेंगे स्कूल्स को. लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट पंजाब ने लॉन्च किया है. पंजाब के जो यूटी एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने. देन वी हैव यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड नेशनल जीनोमिक एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर एट मोहाली पंजाब एंड फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक. ठीक है. पंजाब की ये बात हो गई. वी आर जस्ट क्विकली रिवाइजिंग दिस थिंग्स ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ. देन वी टॉक्ड अबाउट ओडिशा. ओडिशा के बारे में पढ़ा कि नितिन जो पटनायक हैं उन्होंने बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम को इनोग्रेट किया है जो साल लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग कैपेसिटी. यहाँ पर 20,000 लोग एक साथ बैठ के मैच देख सकते हैं. देन वी हैव अमा कुरुशाई एक चैटबॉट है जो बनाया गया है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. गंधा मर्दन हिल्स ऑफ ओडिशा नेम्ड एज 37th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. 37th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बोला जाएगा. गंधा मर्दन हिल्स ऑफ ओडिशा नेम्ड एज 37th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. ओडिशा स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ द कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बट इसकी जो क्या होता है इसमें जब अगर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको ऐड करनी है तो पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको अप्रूव करना पड़ता है. देन दिस कम्स टू अवर दिस प्रेसिडेंट और वो प्रेसिडेंट इसको फिर लोकसभा में रखवाते हैं. सो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस बट अभी इसको 8th शेड्यूल में ऐड कराने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड कराने के लिए ओडिशा की जो कैबिनेट है उसने तो हामी भर दी है. देन मूविंग एट विद न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में क्या करा गया है कि चैटबोर्ड बनाया गया है बाल मित्र नाम से टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. देन वी हैव मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर दिल्ली हार्ट में बनाया गया. दिल्ली हार्ट जब हम दिल्ली मेट्रो से जाते हैं तो दिल्ली हार्ट करके मेट्रो स्टेशन आता है. तो दिल्ली हार्ट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है. और साथ ही में नितिन गडकरी ने यहाँ पर 100% इथेनॉल फ्यूल कार न्यू दिल्ली में लॉन्च करी है. मूविंग टूवर्स मेघालय. मेघालय में जो हमारे तोमर जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 मेघालय में लॉन्च करा है. शिलोंग इज सेट टू होस्ट स्पेस 20 प्रोग्राम. देन टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में जेजे महाराष्ट्र मजाहा स्टेट सॉन्ग बना दिया गया है. फर्स्ट एम्स नागपुर जो फर्स्ट एम्स है उसको मिला है NABH एक्रीडिएशन. नवी मुंबई पहली कंट्री की पहली ऐसी सिटी बन गई है जो जिसमें किसी भी घर में सेप्टिंग टैंक नहीं है. दे यूज सीवेज. ओके. और मुंबई में पहली एसी डबल डेकर एसी बस चलाई गई. 200 मीटर्स लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर भी यहाँ पर एक हाईवे पे सेटअप करा गया. और एप्पल अपनी पहली जो ऑफिस है जो स्टोर है वो मुंबई में खोलने वाला है.
टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग्स अबाउट महाराष्ट्र, अरेबिक एकेडमी इनोग्रेट करी है नरेंद्र मोदी जी ने, लाइक इट्स इट्स वेरी मच द सेम थिंग, जहाँ पर लाइक वी वर सीइंग अ लॉट ऑफ मीम्स ऑफ मोदी जी विद विद द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी. ओके ओके, सो मूविंग अहेड विद वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क भी महाराष्ट्र में करा जा रहा है, इंक्लूजिंग पार्क इन नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर नाम कर दिया गया है औरंगाबाद का. मूविंग एट विद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 53 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, 53rd जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम रखा गया है माओगंज. संत रविदास टेंपल इन मध्य प्रदेश की फाउंडेशन रखी है मोदी जी ने. गंदी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश. मूविंग अहेड विद केरलास फर्स्ट AI स्कूल लॉन्च इन थिरुवनंतपुरम. केरला हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. सो इरंजीपट्टी श्री कृष्णा टेंपल जो केरला का है, वहाँ पर इन्होंने मैकेनिकल एलिफेंट बनाए हैं टेंपल के लिए. देशूरियम शू करके उन्होंने एक बोर्ड करी है जो सोलर पावर से चलेगी. वायनाड केरला हैज बिकम द फर्स्ट ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट इन इन इंडिया. ठीक है, वायनाड में ही इन्होंने जो ट्राइबल्स हैं उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं. केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट अ वाटर बजट टू टेकल वाटर शॉर्टेज इन समर. वाटर बजट ये केरला में लेके आए हैं वाटर शॉर्टेज को फाइट करने के लिए. कोलम बिकम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. कोलम बिकम बनी है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. रोबोटिक स्केवेंसर्स बंडीकूट टू बिकम टू क्लीन मैनहोल्स वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इन कोची. CM पिनराई विजयन इन्होंने बोला है कि केरला में अब हम पूरी तरीके से डिजिटल हो गया, हमारा बैंकिंग जो सर्विसेज है वो पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गई है केरला में. पाम लीव्स मैनोस्क्रिप्ट से रिलेटेड जो म्यूजियम है वो केरला में खोला गया है थिरुवनंतपुरम में. देन टॉकिंग अबाउट कर्नाटका, कर्नाटका में हुबई धरवाड़ करके जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इनोग्रेट किया है, वॉज इनोग्रेटेड बाई PM नरेंद्र मोदी. मिथेनॉल रन बसेस बेंगलोर में चली गई हैं पहली बार. वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस अब ये बेंगलोर में होने वाली है रिसेंटली, बिकॉज वर्ल्ड कॉफी कॉफी हेडक्वार्टर है कुछ यहाँ पर. 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन इन बेंगलुरु. देन टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में CRPS सेलिब्रेटेड जश्न चिल्लाई कलन विद स्टूडेंट इन श्रीनगर. याया शो, याया शो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होने वाली है लद्दाख की. एंड इंडियाज फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व फाउंड इन सलाल हैमाना. ठीक है, और इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में ओपन करा जा रहा है. लद्दाख टू वर्स फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन पंगोंग शो पे. लद्दाख टू इसके बाद है लॉन्च द 14 डिजिट यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इन लद्दाख. एंड स्तंभ जो बलिदान स्तंभ है वो श्रीनगर में बनाया जाने वाला है. ओके, DNA डेटाबेस हिमाचल प्रदेश ने लाया है. DNA डेटाबेस फॉर आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड बॉडीज कंगड़ा टी. इनकी कंगड़ा टी को यूरोपियन GI टैग मिल चुका है. हिमाचल प्रदेश में मुलेठी को कल्टीवेट करने के लिए उन्होंने थोड़ा वो ऑर्गेनाइज मुलेठी कल्टीवेशन स्टार्ट करा है. देन वी हैव ग्रीन, और हिमाचल प्रदेश ने बोला है कि बाय 2025 वी विल बी बिकमिंग अ ग्रीन एनर्जी स्टेट. हम मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन बनाएंगे रेदर देन कंज्यूमिंग इट. टॉकिंग अबाउट गुजरात, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन NTPC ने अपनी टाउनशिप में गुजरात में लगाया हुआ है. फर्स्ट ग्रीन हाउस हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन पाइप्ड नेचुरल गैसेस. अमित शाह ने अनवील करी यहाँ पर 54 फीट टॉल लॉर्ड हनुमान स्टैच्यू. और IBVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स गुजरात में लॉन्च किया गया. सेमीकॉलर इंडिया 2023 को इनोग्रेट किया नरेंद्र मोदी ने इन गांधीनगर. और गोवा में रिवर जुआरी पे नितिन गडकरी ने जो ये ब्रिज है वो इनोग्रेट किया है. देन वी हैव मैथिली ठाकुर जो बिहार की इलेक्शन कमीशन की स्टेट आइकन बनी हुई है. देन असम में टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का टैग दे दिया गया है. कंप्रेस बायोगैस प्लांट और चीज़ का पहली बार असम में करा गया है. और डिजी यात्रा की फैसिलिटी गुवाहाटी एयरपोर्ट में नॉर्थ ईस्ट में पहली बार आई है. एयरपोर्ट सयोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश इज इनोग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश डेफिनेटली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज पर द डिफेंस पर्सपेक्टिव. टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम उसकी नई कैपिटल होने वाली है. भावना पड्डू पोर्ट इन श्रीकाकुलम एस मूलापेटा ग्रीनफील्ड इसका नाम होने वाला है. मूलापेटा ग्रीनफील्ड होने वाला है नाम किसका, भावना पड्डू पोर्ट का. लॉर्ड राम की मूर्ति करी गई है कुरनूल में बाय अमित शाह ऑफ 108 फीट. साथ ही में जो तेलंगाना के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वो 125 फीट की अंबेडकर की मूर्ति उन्होंने इनोग्रेट करी है. देन वी हैव नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सिलवस्सा. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मीजो ऑन बोर्ड रूरल वुमेन एज ऑनलाइन सेलर. ओके, देन वी हैव सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेट्स मिनी रत्न कैटेगरी. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी मिली है. नवरत्न स्टेटस दिया हुआ है रेल विकास निगम को. चेयरमैन ऑफ वेसनार अरेंजमेंट बनाया हुआ है इंडिया भी. इनकोवैक इंटरनेशनल COVID-19 वैक्सीन है पहली. अमृत उद्यान नया नाम है मुगल गार्डन का. देन वी हैव 21 आइलैंड जो परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर PM मोदी ने रखे हैं. आइलैंड के नाम अंडमान निकोबार के. इजिप्ट के प्रेसिडेंट 26 रिपब्लिक डे पे भारत आए थे. सो दीज आर द थिंग्स नाउ मूविंग अहेड.
a lot of revision. Actually, revision is very much essential. अभी मतलब जितना हमने पढ़ा उसका हमने कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया है ताकि ये चीज़ें याद रहें. बिकॉज इफ़ यू आर जस्ट रीडिंग इट तो आगे आप पढ़ते जाएंगे, बट यू विल आप पीछे जब भी आगे पढ़ेंगे तो पीछे आप भूल जाएंगे. सो दैट्स द रीज़न हमने इतना ज़्यादा मैंने समझ लिया रिविजन करने में. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द स्मार्ट प्रोग्राम टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेदास कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स ओके. गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कैंपेन्स की हम बात करेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द स्मार्ट स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एंड टेक्निक टीचिंग प्रोफेशनल्स. ओके, आई थिंक जो बाकी का पार्ट है वी विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम आफ्टर हैविंग लंच. सो आई विल मीट यू गाइस आफ्टर हैविंग लंच एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दिस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कैंपेन. सो यस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ, चेकिंग देन कोरिया.